हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने शेयर में। आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम कंपनी लिमिटेड के बारे में और देखेंगे कि ये शेयर अभी और कितना जो है नीचे गिरेगा और मैं आपको कहूँ किस लेवल पर इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये शेयर कितना ज़्यादा भी नीचे और गिर सकता है उसके ऊपर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे हमें जो है लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। मैंने आपसे पहले ही जो आपको मैंने वार्न कर दिया था, मैंने आपको पहले से ही क्लेरिफाई कर दिया था कि इस सेशन में आपको जो है लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो में मैंने BCG के ऊपर कहा था कि इस सेशन में जो है लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है और सेम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे ही हुआ कि इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या था, मैंने आपको कैसे बताया था कि इसमें लोअर सर्किट लग सकता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है, ये जो शेयर था वो अपने हाई पीक पर यानी कि हाई लेवल पर पहुंच चुका था। उस टाइम जो इसमें मुझे पता था कि जब ये शेयर हाई पीक पर पहुंच जाएगा, अपनी हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, तो उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसके कारण शेयर का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा। तो वही चीज़ हुआ, उसी के बेसिस पर मैंने आपसे कहा था कि इस शेयर में जो लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने उसके साथ साथ आपसे मैंने एक और बात कही थी कि अगर इसमें लोअर सर्किट देखने को मिलता है तो आप जो बिल्कुल ही पैनिक ना हो, बिल्कुल ही डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ही शेयर को जो है सेल ना करें, बिल्कुल भी इस शेयर से एग्जिट ना करें, क्योंकि आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। तो आप जो अगर आप एग्जिट कर लेंगे, अगर आप इस छोटी मोटी जो गिरावट है, छोटी मोटी लोअर सर्किट देखने से अगर आप डर जाते हैं, तो आप जो आने वाले समय का जो हाई प्रॉफिट होगा यानी हाई रिटर्न होगा वो आप जो लूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको खुद दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग एक छः महीने में कंपनी ने 1158% का जो रिटर्न दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस छः महीने में आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे नोट करी थी आपने कि ये 1158% का रिटर्न दिया, उसके बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी में जो है गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस शेयर जो नीचे गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जो इसमें सेलर ही रहे थे, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है पेशेंस। अगर आपने इस लेवल पर पेशेंस रख लिया तो आप इतना ज़्यादा रिटर्न जो है गेन कर सकते हैं। अगर आपने पेशेंस नहीं रख पाए, अगर आप इमपेशेंस हो गए, अगर आपने सेल कर दिया डर के मारे, तो आप जो आने वाले समय का जो ये रिटर्न होगा वो आप लूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि आपको लोअर सर्किट देखने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कंपनी स्ट्रांग है, अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अपने आप को जो है इम्प्रूव कर रही है, अपने आप को ग्रोथ कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल देखें तो लगभग $1 बिलियन को भी जो क्रॉस कर चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरे पिछली वीडियो में। तो आपको इन ऐसे छोटी मोटी जो गिरावट होती है इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप यहाँ पर खुद देखें, ये छोटी मोटी गिरावट के बाद जो है अपर सर्किट लगा था, शेयर ऊँचा गया था, तो ओवरऑल पीरियड टाइम कंपनी ने कितना ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दिया, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। अब वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पर जो है हाई पीक पर पहुँच चुका है ये शेयर, अपने हाई लेवल पर पहुँच चुका है। तो वहाँ पर जो छोटी मोटी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल सकती है, उसके कारण जो है इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। आपको लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो ये 60 रुपये तक शायद पहुंच सकता है, शायद 60-65 तक ये शेयर जो नीचे पहुंच सकता है। तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ये फिर जो शेयर बाउंस बैक मारेगा जैसे कि पहले मारा था। तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस शेयर को होल्ड कर रखें, क्योंकि आने वाले समय में ये शेयर बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा शानदार है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी हर बार वीडियो में कहा था कि इस शेयर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बाय करें, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करें। जितना ज़्यादा ये शेयर नीचे जा रहा है उतना ज़्यादा इस शेयर में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उतना ज़्यादा इस शेयर को बाय करें, क्योंकि आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। और जो ऑलरेडी इस शेयर को बाय कर लिया तो वो इस शेयर को जो होल्ड करके रखा, अगर आप 1-2 साल के लिए भी इस शेयर को होल्ड करके रखते हैं, तो आप जो मैं आपको बता दूँ तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न जो है गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ये शेयर 1000-2000 रुपये पर बहुत ही आराम से पहुँचता हुआ नज़र आएगा 1-2 साल के अंदर। तो इस शेयर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस शेयर को और ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करें। और ये छोटी मोटी गिरावट से आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, और इस शेयर को बिल्कुल ही भी जो है सेल ना करें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी शेयर के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपने इस शेयर को किस लेवल पर, किस प्राइस पर जो बाय करा था, किस क्वांटिटी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।